नमस्कार दोस्तों, मोचने वाला है आपका फिर से स्वागत है। तो कई बंदे मुझे सवाल करते रहते हैं क्रूज शिप के ऊपर, आप एक वीडियो बनाओ, क्रूज शिप में हमको शिप ज्वाइन करनी है, कौन कौन सी कंपनियां हैं। बेस ये होता है कि कई लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन सी अभी इंडिया में कंपनियां हैं जिससे हम क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात कर लेता हूं, क्रूज शिप में कौन कौन सी कंपनियां आप जा सकते हो जिसके थ्रू आप क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो। बड़े बड़े क्रूज शिप है उनके पास। तो पहली कंपनी से आपको मैं बता दूं, देखो इंडियन ओशन क्रूज लाइन एक कंपनी है जो कि इंडिया में ही है, मुंबई में इसका ऑफिस मिल जाएगा। MSC कंपनी आपने सुनी होगी, MSC के पास भी क्रूज शिप्स हैं। एयरबॉर्न सुनी होगी, एक एयरबॉर्न करके कंपनी है, एयरबॉर्न के पास भी अच्छे खासे क्रूज शिप हैं, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी जो ऑफिस है वो भी आपको मुंबई, तमिलनाडु, हर जगह मिल जाएगी, दिल्ली में भी इसका ऑफिस है। एक है विलियमसन शिप मैनेजमेंट, इसके पास भी आपको क्रूज शिप मिल जाएगी। और एक कंपनी इससे पहले मैंने बताई थी आपको, वी शिप करके है, वी शिप मैनेजमेंट, तो उसके वी शिप के पास भी आपको क्रूज शिप मिल जाएगी। रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइन भी इंडिया में है। तो ये जितनी कंपनियां 5-6 बताई है क्रूज शिप पे, पूरी की पूरी क्रूज शिप पे आपको भेज सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपका छोटा मोटा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी जहाज पे आप एक्सपीरियंस मार के क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको क्रूज शिप का एक्सपीरियंस चाहिए फिर ही आपको लेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास 2-3 सेल है, छोटे मोटे टैंकर वगैरह कुछ भी मारो, बल्क मारो, जो भी मारो, आप मार के आप ज्वाइन कर सकते हो क्रूज शिप। आप अपना रिज्यूम जाके पोस्ट कर सकते हो, बाय कंपनी में जाके आप दे सकते हो। अगर आपका कोई एजेंट भी कराता है क्रूज शिप पे, तो आप एजेंट के थ्रू भी जा सकते हो, एजेंट भी कराते हैं क्रूज शिप पे। तो क्रूज शिप आप इंडिया के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लड़के हैं, एक लड़का था जब मैं मुंबई में रहता था, तो वो बंदा टग मार के गया था और वो क्रूज शिप ज्वाइन कर लिया था। तो सोच लो आप टग मार के भी क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, आजकल का मार्केट थोड़ा भर गया है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो आप जाओ इंटरव्यू दो कंपनी में, बालक हो सकता है आपका, वरना आपका कोई एजेंट है, एजेंट के थ्रू भी जा सकते हो। तो दोनों हिसाब से कर सकते हो। और सैलरी मैंने बता रखी है क्रूज शिप पे, अगर आप जिस बंदे को भी क्रूज शिप पे जाना है, तो सैलरी ज़्यादा आपको उस टाइप की सैलरी नहीं मिलेगी जो आपको टैंकर में मिलती है, बल्क में मिलती है, जनरल कार्गो पे मिलती है, उससे थोड़ी कम मिलती है इस कंपनियों में जब आप क्रूज शिप पर जाते हो। जैसे कि आप अगर आप उस कंपनी में जा रहे थे, जैसे कि आप टैंकर में कोई वेसल्स पर जा रहे हो, तो आपको 1400 से 1500 डॉलर मिल जाती है, भी ऑयलर को मिल जाती है। लेकिन आप एज अ क्रूज शिप पर जा रहे हो, तो 1000 या 1100-1200 मिलती है आपको एज अ ऑयलर बेस पे, वरना ए बी बेस पर। तो डिपेंड करता है, रैंक वाइज क्रूज शिप पर सैलरी कम है। बाकायदा आप अदर शिप्स पर जा रहे हो, जो जनरल कार्गो वगैरह टैंकर वगैरह पे जा रहे हो, तो उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन क्रूज शिप पे थोड़ी कम होती है। जितनी कंपनी मैंने बताई 5-6 कंपनी, इसमें आप जा सकते हो, आप अपना रिज्यूम पोस्ट करो, आप अपना बात कर सकते हो, कंपनी में फ़ोन लगा के बात कर सकते हो। तो कई लड़के गए हैं, आपको US वीज़ा मिलता है इस कंपनियों में, अगर आप इस कंपनी में जाते हो। वर्ल्ड वाइड चलती है सारी जहाज, जितनी भी मैंने बताया, जो भी कंपनी है, सबके शिप वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। और आपको क्रूज शिप पे ये बेनिफिट रहता है कि पूरी की शिप पोर्ट पर लगती है और आपको शोर लीव दबा के मिलता है जो भी क्रूज शिप पे आप जा रहे हो। तो शोर लीव का कोई दिक्कत नहीं, आपको शोर लीव भी मिलेगा, लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम है क्रूज शिप पर। तो ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा वीडियो, जो भी होगा कमेंट करना। कई बंदे मुझे सवाल करते रहते थे कंपनी के ऊपर, कौन कौन सी कंपनी है, जो भी होगा कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।